सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे पास सैमसंग का J2 डिस्प्ले अटच है, ठीक है। देख सकते हैं मैंने ऑन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं जो इसका डिस्प्ले अटच का इसको फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। जैसे पहले बन के आता है फोल्डर, न्यू फोल्डर जो मार्केट से परचेस करते हैं, उसे सेम हमको बनाना है, ठीक है। बिना OCA मशीन और बबल रिमूवर्स का, बिना मशीन को हम इसको हाथ से ही पंचिंग करेंगे, बबल्स रिमूव करेंगे हाथ से, ठीक है। तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहें, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने फ़ोन को ऑन कर लिया, ठीक है। तो हम पहले इसको चेक करके दिखा सकते हैं मेरा टच वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं टच वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। तो हम जो टच पूरा प्रॉपरली चेक करके इसमें दिखाऊंगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं टच पूरा प्रॉपरली काम कर रहा है, मैं पूरा टच ही चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे वीडियो में एंड तक बने रहे। आप किसी भी फ़ोन का टच ग्लास हो या टच किसी भी फ़ोन का फोल्डर बना सकते हैं आप। ये तो मैं टच का कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं टच ग्लास का भी करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं टच पूरा प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने फ़ोन को इसमें से निकाल, पहले फोल्डर पर रिमूव कर लेंगे, ठीक है। पहले बैक वाला हम ये हटा लेते हैं। देख सकते हैं मैंने फोल्डर इसमें से निकाल लेते हैं। मैं बीच बीच में कहीं कहीं वीडियो जो है थोड़ा स्पीड कर दिए हैं, क्योंकि मैं वॉइस जो है फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं पहले डिस्प्ले जो है LCD, इसको पहले अच्छी तरह से क्लीन करना है। फॉलकॉन 530 से मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं फॉलकॉन 530, इससे अच्छी तरह से क्लीन करना है। और एक कोई कपड़ा लेना है जो आता है क्लीनर कपड़ा, उससे अच्छी तरह से साफ़ करना है। देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से इसको यहाँ पे वीडियो थोड़ा स्पीड कर देते हैं। हम जो इसको LCD को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से क्लीन कर रहा हूँ इसको, एक भी डस्ट इसमें नहीं रहना है, ठीक है। थोड़ा भी डस्ट रहेगा तो वहाँ पे जो है बबल्स आ जाएगी, फिर वहाँ पे कभी नहीं हटेगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान दे के इसको क्लीन करना है, और OCA शीट इस पर लगाना है ध्यान दे के, ठीक है। इसमें हड़बड़ाना नहीं है, एक भी डस्ट नहीं होना चाहिए, पूरा क्लीन प्रॉपरली LCD रहना चाहिए, ठीक है। देखते हैं मैं पीछे जो है एक ग्लास कोई भी रख देता हूँ LCD साइज़ का, उससे थोड़ा बड़ा, ताकि क्लीन करने में दिक्कत नहीं होने, तो पीछे से डिस्प्ले दब जाएगा तो फिर टूट जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से मैं क्लीन कर रहा हूँ इसमें LCD को। आपको वीडियो में जो है दिख रही होगी कि एक भी इसमें डस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब जो है हम जो है इसमें OCA शीट जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। OCA देख सकते हैं मैं जो अब अप्लाई करूँगा, OCA का एक लेयर हटा दिया मैंने। हम थोड़ा LCD घुमा लेते हैं, इसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा कि वो पत्ते की तरफ बढ़ जाएगा, वहाँ पर सड़ जाएगा, थोड़ा उसको जो कट करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से लगाएं, जिस तरह से मैं वीडियो में लगा रहा हूँ, देख सकते हैं एक भी डस्ट नहीं होना चाहिए। इसमें जो नीचे से पहले एक पहले मिला लेना है इसका लाइनिंग, ठीक है। और थोड़ा उंगली से इसको प्रेस करना है हल्का, ठीक है, एक रंग से। उसके बाद कोई भी एक ग्लास लेना है या रोलर लेना है, इस तरह से आपको जो है कर सकते हैं। मैं तो ग्लास से ही करता हूँ, क्योंकि ग्लास थोड़ा प्रॉपरली एक रंग से हो जाता है, ठीक है। अब जो OCA जो सीट है वेस्ट जो है साइड का, देख सकते हैं मैं साइड का इसको जो है मैं कट करूँगा यहाँ, ठीक है। पीछे मैं एक ग्लास रख देता हूँ। आप कोई भी OCA का जो स्ट्राज है उसको कट करने के लिए आप कोई भी कांच का, कांच पे रख के जो आता है शीशे, पीछे कांच पे रख के कट करिए, ताकि अच्छी तरह से कट हो जाए। देख सकते हैं मैंने जो पीछे ग्लास रख दिए और ग्लास पे रख के कट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर वीडियो जो थोड़ा स्पीड कर दिए हैं, ताकि लंबा वीडियो नहीं बने, ठीक है। देख सकते हैं पूरा प्रॉपरली कट गया, देख सकते हैं।
अब जो है हम टच लेंगे और टच का जो ऊपर में जो एक लेयर होता है उसको हमको पहले वो हटाना पड़ेगा, उसके बाद उसी वाला हटाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले देख लेना है कि किस तरह हमसे मिलाना है कि दोनों साइड से बराबर गैप रहे, ठीक है, ताकि मेरे जो फ्रेम में है LCD प्रॉपरली बैठ जाए। देख सकते हैं यहाँ पर लाइनिंग बना हुआ है इसमें वाइट कलर का, देखें अब वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से मेरा LCD जो पूरा प्रॉपरली बैठेगा। आप फ्रेम में भी सेट करके आप बिठा सकते हैं, लेकिन फ्रेम से अच्छा हमको ऐसे ही बैठाने में सही होता है कि फ्रेम के अंदर जो पता नहीं चलता है कि किस साइड ज़्यादा हुआ किस साइड कम हुआ, ठीक है। देख सकते हैं आप आगे से भी देख लेना एक रंग करने के बाद, देख ले एक तरह से मिला लेना है और पीछे की तरह देख लेना कैसे रखेंगे तो मिलेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली देख सकते हैं ये इस पे OCX सीट एक हटेगा, ठीक है, और ये पहले हम टच वाला पे हटा लेते हैं, एक लेयर आता है देख सकते हैं, और इस पे हम OCX सीट एक एक्स्ट्रा वाला जो हटाते हैं, ठीक है। हम यहाँ से आप जो है अच्छी तरह से चारों साइड मिला लेना है, ठीक है, उसके बाद उस पर जो है डिस्प्ले को हम टच पे टच करेंगे, ठीक है। आप नीचे से जो है हम जहाँ से टच किए हैं वहाँ से थोड़ा जरा सा टच कर सकते हैं, अब देख सकते हैं दोनों साइड से हम जो चारों साइड से एक तरह से मिल गया, ठीक है। आपको इस तरह से पकड़ना है, अब नीचे से धीरे धीरे प्रेस करके पंचिंग करना है, ठीक है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है नहीं तो डिस्प्ले जो है क्रैक हो जाएगा। देख सकते हैं मैं जो है किस तरह से प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, आपको वीडियो में नहीं दिख रही होगी, मैं अब दिख रहा होगा, ठीक है, देख सकते हैं मैं जो किस तरह से प्रेस कर रहा हूँ। पीछे एक साइड देख सकते हैं मैं किस तरह से पकड़ा हुआ था, ठीक है, पूरी प्रॉपरली बीच में ही रखना है LCD को, एक साइड नहीं करना नहीं तो फ्रेम में जो है नहीं बैठेगा, क्योंकि LCD जो फ्रेम पर चढ़ जाएगा तो फिर बैठेगा नहीं। देख सकते हैं पूरा स्लो मोशन में इसको जो टच पे ऊपर प्रेस करना है, देख सकते हैं मैं जो यहाँ पे वीडियो आगे थोड़ा स्पीड कर देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। यहाँ जो आपको फोल्डर बनाने में मुश्किल से पंचिंग करने में आप बबल रिमूव साथ ही निकल जाता है इसी में, तो आपको 2 से 4 मिनट लगेगा इसमें। मैंने यहाँ पे थोड़ा वीडियो थोड़ा बहुत हाई स्पीड कर दिया हूँ ताकि टाइम नहीं लगे ज़्यादा। पीछे की तरफ भी देखना है, देखें मैं किस तरह से उंगली पीछे रखें जब आधा हो जाए, नहीं तो LCD जो है करेक्ट हो सकता है। देख सकते हैं ये पंचिंग जो है अब होने वाला है, ठीक है, जब लास्ट में आए कि अब जो है वहाँ से उंगली जो आपके LCD के बीच के गैप से भी निकल रहा है उंगली, तो वहाँ से आपको करना है कि उंगली सिंपली छोड़ देना है। देखिए हम किस तरह से छोड़ेंगे, ठीक है,
मैंने अब छोड़ दिए, ठीक है। अब इसमें जो है धीरे धीरे से प्रेस करना है, क्योंकि ऊपर पंचिंग हो गया तो नीचे का बीच में बबल सर आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं मैं किस तरह से पंचिंग कर रहा हूँ। अब बबल्स को एक साइड से निकालना है, ठीक है। मैं इस कोने पर बबल्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं मैं कोने बबल्स निकाल लिया। अब देख सकते हैं इसमें एक भी बबल्स और कहीं डॉट्स उट्स कुछ भी नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ लेयर हटा के, देखिए मैंने ऊपर का प्लास्टिक जो हटा के दिखा रहे हैं, देख सकते हैं पूरा फिनिश हुआ, जैसे मार्केट से फिनिश आता है उसी फिनिश है पूरा फ्रोफ्लिश, ठीक है। मैं जो अब इसका LCD जो है इसको मैं चेक करके भी दिखाऊंगा। एक भी इसमें बबल्स नहीं है, किसी किसी फ़ोन में थोड़ा बबल्स भी आ जाए तो सिंपली कुछ नहीं करना है, एक दिन के लिए उसको जो है 5-6 घंटे 7 घंटे के लिए वो LCD का रख देना है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक जो है बबल से जो हट जाएगा, नहीं तो आप स्क्रीन सेपरेटर मशीन पे रख के थोड़ा हिट करके LCD को उसको प्रेस करके हटा भी सकते हैं, क्योंकि OCO जो होता है वो नरम हो जाता है, OCO नरम होने के बाद आप प्रोफली हट जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि मैं जो इसको फ़ोन में अब लगा के चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ जो वीडियो थोड़ा स्पीड कर दी है, थोड़ा लोकल LCD है, थोड़ा ऑन होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो फ़ोन जो है ऑन हो गया, वहाँ पे बूट होने में देख टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ वीडियो भी स्पीड कर देते हैं जब तक बूट हो रहा है, तब तक देख सकते हैं मैं आप जो है टच चेक करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं टच प्रॉपरली वर्क कर रहा है, फिर से चेक करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक है मेरा टच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।